मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में कन्या राशि का अगस्त महीने का मासिक राशिफल बताऊंगा। राशिफल से पहले मैं आपकी जन्म राशि के अनुसार 1 अगस्त को सुबह सूर्योदय के समय के ग्रहों की स्थिति भी बताऊंगा। अंत में उपाय और आपके लिए कौन सा दिन और कौन सा रंग शुभ है यह भी मैं बताऊंगा। मेरा यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और ग्रहों की स्थिति और गोचर के अनुसार मेरा यह ज्योतिषीय अनुमान है। अगर जन्म कुंडली में आपकी कन्या राशि है तो मेरा यह वीडियो आपके लिए है, और अगर वीडियो देखने के बाद में आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कन्या राशि के लोगों में शेयर भी करें। और वीडियो के अंत में आपकी राशि के स्वामी बुध के देवता गजानन गणेश भगवान के लिए जय श्री गणेश अवश्य लिखें। 1 अगस्त को सुबह सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से रहेगी यह पहले देख लेते हैं। 1 अगस्त 2022 को सोमवार है और सूर्योदय सुबह 6:03 पर होगा, और उस समय आपके कन्या लगन और कन्या राशि की कुंडली के अनुसार दूसरे धन और कुटुंब स्थान में तुला राशि में केतु का गोचर चल रहा होगा। पंचम संतान और शिक्षा स्थान में मकर राशि में शनि अपनी ही राशि में वक्री होकर के गोचर कर रहे होंगे। सप्तम जीवन साथी स्थान में गुरु अपनी ही मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे, और अष्टम मृत्यु स्थान में मंगल की राहु के साथ में युति होगी, और यह अंगारक योग बनाकर अपने मंगल खुद अपनी राशि में बैठे हैं। दशम कर्म स्थान में मिथुन राशि में शुक्र 10वें कर्म स्थान में शुक्र जो गोचर कर रहे होंगे, और 11वें लाभ स्थान में कर्क राशि में सूर्य का गोचर, और 12वें खर्च स्थान में सिंह राशि में बुध और चंद्रमा की युति होगी। इस प्रकार के ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए मेरा ज्योतिषीय अनुमान यह है कि आपके लिए अगस्त का महीना है इस साल का सबसे शानदार महीना रहेगा, या इस शानदार महीने के रूप में आपका बीतने वाला है। वैसे भी अगर देखें तो गुरु सप्तम केंद्र स्थान में बैठकर इस महीने में अधिकतर दूसरे ग्रहों के कुछ छोटे बड़े अशुभ फलों का नाश कर रहे हैं, इसलिए आपको इस महीने में अधिक और कुछ बेहतर सुविधाओं की प्राप्ति होने वाली है, जिसका असर आपके कैरियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, दाम्पत्य सुख, संपत्ति, संतान, स्वास्थ्य आदि पर पड़ेगा, और यह सभी क्षेत्र आपके लिए लाभदायक स्थिति में आपको पहुंचाएंगे। शिक्षा और प्रेम प्यार का मामला कुछ चिंताजनक इस महीने में रहेगा, तो मैं आपको इन सभी क्षेत्रों में अगस्त के महीने में कैसा बीतेगा यह मैं बता देता हूं, और शुरुआत करता हूं कि अगस्त के महीने में आपका कैरियर कैसा बीतेगा या कैसा रहने वाला है। अगस्त के महीने में आपको थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बाकी हर समय आपको आगे से आगे सुविधाएं मिलती रहेगी। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो शुरू से ही दिन ब दिन तेजी आती रहेगी, और खास करके महीने के मध्य में आप अपने व्यापार बिजनेस से खुश रहेंगे। कुछ अच्छे सौदे इस दौरान आपके होने वाले हैं, जिसमें आपको लाभ अधिक मिलेगा। आपके लिए व्यापार का अगर स्थान बदलने की सोच रहे हैं तो आप अपने व्यापार का स्थान भी बदल सकते हैं, या थोड़ा व्यापार में हेरफेर करने की इच्छा है तो आप हेरफेर भी व्यापार में कर सकते हैं। हेरफेर से मेरा मतलब है कि अगर कुछ माल सामान दूसरा नया लाना है, या पुराना जो नहीं बिक रहा है उसको खत्म करना है, तो इस प्रकार के जो आप कुछ बदलाव व्यापार के अंदर करना चाहते हैं तो बदलाव कर सकते हैं, और महीने के अंत में आप ऐसा कर सकते हैं। नौकरी करने वाले भी इस अगस्त के महीने में खुश रहेंगे, और काम की आपके तारीफ होगी और इसका लाभ भी आपको मिलेगा, और महीने के अंत में नौकरी परिवर्तन या कोई आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम मिलने का योग भी बन रहा है। अब देखते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। इस महीने के शुरू में आपको ढेर सारे धन की जरूरत पड़ने वाली है। लाभ स्थान में सूर्य का गोचर है और पंचम स्थान में शनि बैठे हैं। सूर्य पर और लाभ स्थान पर शनि की दृष्टि है, इसका अर्थ यह हुआ कि भले ही आपको कितने भी धन की जरूरत हो, लेकिन धन आपको अलग अलग मार्गों से प्राप्त होगा। कुछ धन नियमित आय से तो कुछ अन्य मार्ग से प्राप्त होगा। आपको अपने नियमित आय के मार्ग से और विदेशी संपर्कों से लाभ या धन मिलेगा। 16 अगस्त के बाद में ज्यादा आपको आसानी रहेगी या आसानी से लाभ मिलेगा। व्यापार, बिजनेस, नौकरी
या अन्य साधन सब आपको जरूरत के मुताबिक धन प्रदान करेंगे, लेकिन उस धन का संचय करना, अपनी फिजूल खर्ची को रोकना, किसी को उधार धन नहीं देना आदि सब आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी। अगर अपने कुशलता से वित्त का प्रबंधन कर लिया तो धन के मामले में आप लकी साबित होंगे इस महीने में, लेकिन कुप्रबंधन आपको मुसीबत में भी डाल सकता है। अब देखते हैं परिवार का मामला कि अगस्त में कैसा रहेगा। अगस्त में आपको अपने परिवार का साथ या सहयोग आवश्यकता के मुकाबले थोड़ा कम मिलेगा। वैसे भी जब से आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में केतु आया है, तब से आपसी खींचतान और असहयोग का सामना आपको वक्त वक्त पर करना पड़ रहा होगा। अगले जो है आगे भी ऐसी स्थितियां आपके चलती रहेगी। आपसी प्रेम तो मन में खूब रहेगा, भाई बहनों में, माता पिता में या परिवार के जो दूसरे सदस्य है सबके बीच में मन का प्रेम रहेगा, लेकिन जो सहयोग करने की जब बात आएगी तो आपको कौन साथ देता है और कौन नहीं देता है यह वक्त ही बताएगा। आपका अपना रोल इस महीने में परिवार में खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। धन मिलेगा जरूर इस महीने में, लेकिन उसका उपयोग कैसे करेंगे यह आपके अपने ऊपर निर्भर करेगा। वैसे कोई शुभ मांगलिक काम इस महीने में परिवार में संपन्न होगा और किसी कुंवारे सदस्य का जो रिश्ता है हो जाने की ऐसा योग भी बनेगा। परिवार में खूब मेहमानों का आना जाना भी लगा रहेगा और किसी खास वजह से सभी परिवार के लोग भी साथ इकट्ठा होंगे। अब बात करते हैं संपत्ति की कि अगस्त महीने में आपको संपत्ति का सुख कैसा रहेगा। अगस्त महीने में संपत्ति का सुख आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे आप नई संपत्ति अगर लेना चाहते हैं या कोई और कारण से संपत्ति में वृद्धि करना चाहते हैं तो वह वृद्धि इस महीने में आपके होने का योग है या संपत्ति का लाभ आपको इस महीने में मिलेगा। वाहन सुख भी आपके लिए अच्छा है। भूमि भवन का सुख अच्छा है। नौकर चाकर रखना है अगर आपको तो यह सुविधा भी आपको इस महीने में मिल जाएगी। लेकिन माता की सेहत अगर खराब थी तो अब अच्छी होना शुरू हो जाएगी। यह आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी इस महीने में। अब देखते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन जो है और प्रेम अगर आप किसी से करते हैं तो अगस्त के महीने में आपका कैसा रहने वाला है। अगस्त के महीने में दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेम प्यार आपसी विश्वास बढ़ेगा और साथ में मिलकर सुख का भोग भी आप इस महीने में करेंगे। कुछ ऐसे लोग जिनका आपस में कोई मतभेद चल रहा है पति पत्नी में, तो इस महीने में आप थोड़ा कोशिश करें झुकने की, या थोड़ा झुके तो फिर से आपसी जो रिश्ता है वह मजबूत कर सकते हैं और विवाद को खत्म भी समाप्त भी कर सकते हैं। अविवाहितों का रिश्ता भी इस महीने के मध्य में बन जाने का संकेत मिल रहा है, लेकिन जो लोग प्रेम प्यार करते हैं उनके लिए यह महीना थोड़ा कष्टदायक रहेगा ऐसा लगता है। और इस प्रकार के कष्टों से बचने के लिए आप आपसी विश्वास को ही मजबूत करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। कोई अनुचित व्यवहार आप करने से बचें तो ही आपको प्रेम प्यार का सुख भोग करने का मौका इस अगस्त महीने में मिलेगा। अब देखते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगस्त महीने में आपका स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर रहेगा। केतु की जो दृष्टि है वह अष्टम मृत्यु स्थान पर रहने के कारण आपको मानसिक परेशानियां अधिक पैदा करेगी। जो आपके अपने लोग हैं उनका व्यवहार खुद भी उनको आपको खूब परेशान करेगा। खुद की चिंताएं और कमर से एड़ी तक के कुछ प्रॉब्लम आपको इस अगस्त महीने में महसूस करेंगे। आप अपने खानपान में थोड़ा सुधार करें, उसको नियमित करें। खानपान के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाएं। इस महीने में आप थोड़ा दूध का सेवन जो है वह अधिक, मतलब जो आवश्यकता से अधिक होता है ऐसा ना करें। अगस्त महीने में थोड़ा दूध का सेवन कम कर दें, बाकी अगले महीने से आप फिर वापस अपना नियमित कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो गली में सड़क पर चौपाए जानवर, गाय भैंस बकरी ऊंट बैल आदि जो भी होते हैं, या आप चौपायों में आप कार या बस आदि भी गिन लो, तो इस प्रकार से जो गली में चलने वाले चौपाई चीजें होती है आपको
उनसे सावधान इस महीने में रहना पड़ेगा। विशेष करके जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं उनसे आप अवश्य सावधान रहे। अब मैं आपको कन्या राशि की महिलाओं के लिए बताता हूं कि अगस्त के महीने में, अगस्त का महीना उनके लिए कैसा बीतेगा। आप कन्या राशि की महिला है और आपकी राशि का स्वामी आपकी राशि में ही अब कुछ देर में गोचर करेगा, कुछ दिनों में गोचर करेगा और उसका भी हो जाएगा। इसलिए यह महीना आपके लिए विशेष शुभ फल देने वाला रहेगा। आपको हर वक्त एनर्जी से भरपूर और आगे से आगे काम में व्यस्त भी रखेगा। अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं तो आपको लाभ आशा से अधिक मिलने की उम्मीद है इस महीने में। नौकरी में आपको उन्नति, तरक्की और मनचाही जगह ट्रांसफर मिल सकता है, लेकिन इस महीने में थोड़ी अलग से जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ेगी या मिलेगी, उसका भी आपको निर्वहन करना पड़ेगा। विवाहित है अगर आप तो जीवन साथी के साथ में अच्छा और बहुत रोमांटिक समय आपको बिताने का अवसर अगस्त महीने में मिलेगा। जीवन साथी की तरक्की में आपका भी खास सहयोग और महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। आप दोनों इस महीने में पूरे धार्मिक रंगों में रंगे हुए दिखाई देंगे। गुरु दर्शन का लाभ आपको इस महीने में मिलेगा। गुरु सेवा और गुरु आशीर्वाद का लाभ भी आपको अगस्त महीने में मिलेगा। ऐसे योग बने हुए हैं। अविवाहित है अगर आप तो अब जल्दी ही आपको मनपसंद प्यार करने वाला जीवन साथी मिलने का योग भी बन रह गया है। अगर आप किसी से प्रेम प्यार करती है तो जरा संभल जाना। शनि अपना काम पूर्ण न्याय से किया करते हैं। मन में खोट रखकर स्वार्थवश प्रेम अगर आपका है या फिर आपके मन में कोई और किसी वजह से आप किसी को प्रेम करते हैं तो अब उसमें विघ्न पड़ सकता है। इसलिए प्रेम को आप निस्वार्थ करें और अगर आपके प्रेमी के मन में कोई खोट या दुर्भावना है तो वह अब उजागर हो जाएगी। या ये जो लुक्का छुपी वाला प्यार होता है आपका, अगर ऐसा है तो अब सबको पता भी चल जाएगा। इसलिए प्रेम प्यार के मामले में समझदारी और सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी ऐसा हो जाएगा। वैसे इस महीने में आपको सहयोग करने वाले बहुत लोग मिलेंगे और आपके काम को और आपकी सोच को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अधिक थकावट वाले काम को ना करें और जो काम आप कर रहे हैं उसको भी आप आराम से करें। संपत्ति का सुख अच्छा रहेगा और लाभ भी मिलेगा। आपके पास में अपना कोई मकान नहीं है तो आप 16 तारीख तक प्रयास करेंगे तो आपका मकान जल्दी बन सकता है। माता की सेहत अच्छी रहेगी और पिता आपके साथ में सहयोग करेंगे। संतान सुख इस महीने में ठीक ठाक ही रहेगा। आर्थिक पक्ष आपका अच्छा, मजबूत और शानदार रहेगा और कुछ भौतिक सुख सुविधाओं का सामान भी आप खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर अगस्त का जो महीना है कन्या राशि की महिलाओं के लिए अच्छा और उन्नति कारक ही बीतने वाला है। अब मैं आपको आपके लिए शुभ रंग, शुभ दिन और एक दो उपाय बता देता हूं, आप बहुत ध्यान से देखें। पहला जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए शुभ दिन जो है वह बुधवार और शुक्रवार इस महीने में रहेंगे। दूसरा है कि आपके लिए हरा रंग, आसमानी रंग, सफेद रंग और हल्का लाल या गुलाबी रंग शुभ रहेगा। तीसरा है गणेश जी के मंदिर में बुधवार को दुर्वा और कच्चा केला चढ़ाएं और वहीं बैठकर ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र के जाप की माला करें। चौथा है कि बुधवार के दिन किन्नर को आप हरी चूड़ियां, गाय को आप हरा चारा और हरी सब्जियां खिलाएं तो इससे जो है आपको लाभ अधिक मिलेगा और अशुभ फलों में भी कमी आएगी। यह था आज के वीडियो में कन्या राशि का अगस्त महीने का मासिक राशि फल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, कन्या राशि के लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं आपको तुला राशि के बारे में बताऊंगा कि अगस्त का महीना कैसा बीतने वाला है। तब तक जय जिनेंद्र।